एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे ऐसी ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हरेक सत्य ही होगा। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते। हम भले ही पुराने सड़े घाव को सवर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह सवर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभस रूप में आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होने जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन के त्रिमूर्तियां है। कुछ सच्चे ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिला है, जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्तोत्रों से उत्पन्न धराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरो, भगवान तक जाता। उठो मेरे शेरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करे, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए।